आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, आपने देखा जो दो तीन दिन पहले जो हमारे लिए एक पसेंजर टैक्स का जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है 6 महीने के लिए, तो आपने देखा पिछले 1.5 साल से हमें आश्वासन दिया था सरकार ने कि आपको हम मेगा पैकेज देंगे, और हम उस चीज़ का वेट करते रहे, क्योंकि जब परसों ये ऑर्डर निकला 6 महीने का, तो हमें जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे उसमें कश्मीर प्रामिस के हैं, लद्दाख और जम्मू, सबको धक्का लगा, क्योंकि हमें उम्मीदें थी सरकार से कि हमें कोविड के दौरान जो हमारे टैक्स हैं, चाहे उसमें पसेंजर टैक्स था, टोकन था, और सारी फीसें, जैसे फिटनेस फीस होती है, परमिट उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमें उम्मीद थी सरकार हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज लाएंगे, क्योंकि प्री बजट में हमें सुना गया और हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज ये जो 6 महीने का ऑर्डर सरकार निकाल रही है, तो हमने सभी तीनों खित्ते के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा लॉस उठाया है इसमें, चाहे उसमें बैंक के लोन्स थे, चाहे उसमें प्राइवेट फाइनेंस था, इंटरेस्ट हम पे चढ़ा, और जो दो बार हमने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाए सरकार को, हैवी जो हमने अमाउंट दिया, उसमें हमारी जो इंश्योरेंस है वो खड़ी गाड़ी की ख़त्म होगी। आप देखिए इतनी बड़ा हमारा वो इंश्योरेंस का अमाउंट है, 80 से 85 हज़ार रुपया। लेकिन आज हम बड़े मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार को हमने एक हफ्ते का टाइम दिया है, अगर सरकार हमारे साथ बैठ के बात करती है, क्योंकि करनी भी चाहिए, कि हमारे हमें बोला सरकार ने कि हमें आपको कुछ ज़्यादा देंगे, लेकिन 6 महीने का जो ये टैक्स है ये हमें 12 नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारा लॉसेस हुआ है, गाड़ियां बंद रही, ड्राइवर और कंडक्टरों ने सफ़र किया है, तो हम एक हफ्ते का इसीलिए सरकार को टाइम दे रहे हैं कि आप बैठे हमारे साथ, कोई बीच का रास्ता निकालिए। ये जो टोकन जो हमारा है, पसेंजर टैक्स जो हमारा है, ये हमें कोरोना के दौरान का जो है, यही हमारी मांग है। तो एक हफ्ते के बाद फिर हमारी दोबारा मीटिंग होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम भी किसानों की तरह आंदोलन पे आए, हमारा भी परिवार है, इसी पे हमारी रोजी रोटी चलती है, गाड़ी चलती है तो ड्राइवर और कंडक्टर और मालिक गाड़ी का, तीनों फैमिलियां इसी गाड़ी पे चलती हैं।